हे हाय, आज की रेसिपी कांजी वड़ा, राजस्थान की गर्मियों का सुपर फूड, यानी कि ठंडा ठंडा और चटपटा सा। सामग्री वही जो आपके घर में है, बनाना बहुत ही आसान। चलिए देखते हैं। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं किचन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कांजी वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए कांजी और वड़ा। तो सबसे पहले जब हम कांजी बनाएंगे, उसके लिए हमें लेना है 1 लीटर के करीब पानी, और इस पानी को हमें बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है। और इसे हम यूज़ करने वाले हैं गर्मा गर्म, लेकिन इसे सर्व करेंगे एकदम चिल, ठंडा ठंडा। तो इसके लिए हम पहले पानी को गर्म करेंगे और एक उबाल ले लेंगे। पानी यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लीजिए, इसमें एक उबाल ले लीजिए और उसे नेचुरली थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार, और उसमें हम लेंगे लगभग 3.5 चम्मच के करीब राई के दाने। ये वही राई है, छोटी वाली, जिससे आप तड़का वगैरह लगाते हैं घर में। तो राई आप कोई भी ले सकते हैं, बनारसी राई भी ले सकते हैं, बड़ी वाली राई भी ले सकते हैं। जितनी आप राई लेंगे ना, उतना ही आपको लेना है नमक। जितनी राई उतना ही नमक हम लेंगे यहाँ पर इस स्टेज पे। और जो 1 लीटर पानी हमने लिया है ना, उसमें हम आगे और भी प्रोसेस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर। इन सभी को हमें जितना बारीक हम पीस सकते हैं, उतना हम बारीक इसे पीसेंगे, क्योंकि हमने इसे मोटा या दरदरा रहने दिया तो क्या होगा, ये पानी में जाने के बाद नीचे बैठ जाएगा और इसकी फ्लेवर उतनी उभर के नहीं आएगी। तो इसीलिए जितना बारीक पाउडर आप इसका कर सकते हैं, उतनी ही अच्छी फ्लेवर आएगी और उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब ये पानी है ना जो हम बना रहे कांजी, वो बनती है राई के इस पाउडर से ही। आप कहेंगे अब इसमें चटपटा टेस्ट कैसे आएगा, तो आप अचार भूल गए ना। अचार में भी राई ही पड़ती है और उसका टेस्ट भी बहुत ही चटपटा सा होता है। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस करना है इस पाउडर के साथ। हम यहाँ पर बना रहे हैं आज दही वाली कांजी, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब फ्रेश दही लेंगे, और ये जो पाउडर हमने बनाया है उसे और दही को बहुत ही अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे और इसका एक पेस्ट फॉर्म रेडी करेंगे। अब इसे हाथों से मिक्स करने का एक रीज़न ये है कि हम इस पेस्ट को बाद में फर्मेंट करने वाले हैं। जब हम इसे फर्मेंट करने वाले होते हैं, तो हाथों की गर्मी से जब आप इसे मिक्स करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं एक मैजिक। जी नहीं, मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, हम देने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर इस कांजी को। इसीलिए कोयला आप जला लीजिए इस तरीके से, अगर कोयला नहीं है तो आप नारियल का जो ऊपर का शेल होता है ना, उसे भी इस तरीके से जला के उसका कोयला बना सकते हैं। अब जो मिक्स की हुई हमारी कांजी है, उसे हम इस तरीके से बोल में चारों तरफ लगाएंगे, बीच में रखेंगे एक कटोरी, उसमें रखेंगे कोयला, और उस पे डालेंगे हम कुछ बूंदे घी की। इससे धुआं उठेगा और यही धुआं हमें चाहिए इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। कवर कर लीजिए और पैक रहने दीजिए इसी तरीके से कुछ मिनटों के लिए, ताकि ये सारा जो धुआं है ये कांजी में अच्छे से बैठ जाए और इसकी बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी सी फ्लेवर आए। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ मिनटों के बाद दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना अच्छा सा धुआं बनाए। हम सिंपली कटोरी को बाहर निकालेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हमारा जो पानी है वो एक उबाल आके थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, यानी कि अभी फ़िलहाल गुनगुना पानी है ये। गुनगुने पानी में ही हम कांजी को बनाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ये फर्मेंट हो सके। सारी जो पेस्ट है वो साइड से इस तरीके से निकाल लीजिए और पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे फर्मेंट करने के लिए छोड़ देना है लगभग 10 से 12 घंटे। गर्मी का सीज़न है तो 10 से 12 घंटे में इजीली फर्मेंट हो जाएगा, और ये रेसिपी को गर्मियों में ही खाया जाता है। तो इसे इस तरीके से कांच की बॉटल में भर लीजिएगा। इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है, इसका फर्मेंटेशन बहुत ही जल्दी होगा, तो 10 से 12 घंटे इनफ होगा। खट्टा हो जाएगा ये पानी ऑलमोस्ट, और फिर आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल वैसा जैसे पानी पूरी का होता है ना, वैसा चटपटा सा। इसे आप किचन काउंटर टॉप पे ही रख लीजिए। एल्युमिनियम वगैरह का बर्तन यूज़ मत कीजिए, सिर्फ कांच की बॉटल इस्तेमाल कीजिए, कांच का कोई बर्तन इस्तेमाल कीजिए। चलिए ये फर्मेंट होता है तब तक वड़ा बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप के करीब मूंग दाल येलो वाली, और साथ में ली है उड़द दाल 1/2 कप। अब इन दोनों दाल को मिक्स करके अच्छे से वॉश कर लीजिए और 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये आप तभी कीजिएगा जब आपकी कांजी बनके रेडी हो,
तभी आप वड़ों को बनाइएगा, नहीं तो फिर वड़े पुराने हो जाएंगे, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। वड़े फ्रेश ही बनाइए। तो यहाँ पर हमारी जो दाल है वो अच्छे से सोख होकर रेडी हो चुकी है। इसे हम एक दो पानी से वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो ये जो वड़े हम बना रहे हैं ना, ये आप दही वड़ा वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दाल का रेशियो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ उड़द की दाल लें। लेकिन ध्यान इस बात का रखिए कि आपको वड़े के लिए जब दाल पीसनी होती है तो उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है कुछ अदरक और हरी मिर्ची जो हम इसी के साथ पीसेंगे। अदरक और हरी मिर्ची की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने ना ही इसे बहुत ज़्यादा बारीक पीसा है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखा है। उसका रीज़न ये है कि हमें जो वड़े चाहिए वो काफ़ी फ्लफ़ी से और सॉफ्ट से चाहिए, तो इसीलिए हमने इसकी इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखी है। अब एक बड़े बर्तन में हम सारे बैटर को ले लेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से इसे इस तरीके से मिक्स करके घुमाते हुए मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो बैटर है काफ़ी फ्लफ़ी और वाइट हो जाएगा और दिखने में भी एकदम लाइट हो जाएगा कलर में। इसे आप चेक करना चाहें तो पानी के एक कटोरी में आप इसे इस तरीके से एक ड्रॉप गिराइए। अगर जो वड़े की ड्रॉप है वो तैरती है, यानी कि फ्लोट करती है ऊपर, यानी कि आपका बैटर परफेक्ट बन गया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने छोटे छोटे वड़े बनाए हैं यहाँ पर। और इसे फ्राई करने के लिए जो तेल है वो हमें मीडियम हॉट रखना है। बहुत ज़्यादा हॉट रखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल हुआ तो ऊपर की परत जल्दी से काली हो जाएगी, यानी जल्दी से डार्क हो जाएगी। मीडियम हॉट ऑयल में ही हमें इसे फ्राई करना है। इवन गैस की फ्लेम को भी हम मीडियम पे ही रखेंगे। ऊपर की परत हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, हल्की सी, या फिर आप कह सकते हैं कि हल्का सा करारापन सा आ जाए ऊपर, तब तक हमें इसे फ्राई करना है बस। तो हमारे यहाँ पर गोल्डन गोल्डन से प्यारे प्यारे से वड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब आगे क्या करना है चलिए देखते हैं। तो इन्हें जैसे ही हम फ्राई करेंगे वैसे ही हमें इसे इस पानी के अंदर मिक्स करना है। उस पानी में हम मिलाएंगे नमक और उसके साथ मिलाएंगे थोड़ी सी हींग। इन दोनों चीज़ों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसमें हम इन वड़ों को ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। वड़े जब इसमें जाएंगे ना, तो हमने वड़ों के बैटर में तो हमने नमक डाला नहीं था, तो इस स्टेज पे जो पानी का नमक है वो वड़ों के अंदर आ जाएगा, यानी कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। दही वड़े में भी यही ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर वड़ों को हमने कुछ देर के लिए सोक करने के लिए छोड़ दिया था और अब हम यहाँ पर वड़ों में से एक्स्ट्रा पानी निकाल के उसे अलग बोल में ले लेते हैं। और एक बोल में अब हम ट्रांसफ़र करेंगे सारी कांजी। ध्यान रखिए, इस कांजी को मैंने एक दो बार हिलाया है 12 घंटे के दरमियान, एक दो बार अच्छे से इसे मिक्स किया है और टेस्ट भी किया है। अब इस स्टेज पे ना कांजी बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। आप ज़रूर से टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें इसमें ऐड कीजिए। यहाँ पर मैंने इसमें काला नमक, बूंदी जो रायते में हम ऐड करते हैं वो, उसके साथ कटा हुआ बारीक कटा हुआ धनिया, हरा धनिया, और यहाँ पर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर। तो यहाँ पर इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने एक चम्मच जितना ऐड कर दिया है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ वड़े इसमें ऐड कर दीजिए जो हमने पानी से निकाल के रखे हैं। और यहाँ पर हमारा जो है कांजी वड़ा बनके रेडी हो चुका है। ये राजस्थान का स्ट्रीट फूड है, स्पेशली फॉर समर्स। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप राजस्थानी हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से कांजी बनाना पसंद करते हैं, किस तरीके से ट्रेडिशनली खाई जाती है आपके घर में। और मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आई, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके रेसिपी आपको कैसी लगी है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे को एक और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।